हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की एमिजना रोड पर रेस लगाते बस ड्राइवरों ने नन्ही सकीना की जान ले ली। 4 साल की परी अब्बू के साथ स्कूल जाने निकली थी, तेज रफ्तार बस ने क्लास के बजाय मौत की आगोश में पहुंचा दिया। मुश्तैल अफराद ने दोनों बसों को आग लगा दी, दोनों बसों के ड्राइवर फरार। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं, वो कवानीन पर कैसे अमल कराएं, अवाम की शिकायत। पिशावर में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर, खुदकुश हमलावर ने एडिशनल आईजी की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। अशरफ नूर शहीद और मुहाफिज समेत 6 अफराद जख्मी। सीसीपीओ ताहिर खान के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। यहां पे उनके ऊपर एक खुदकुश हमलावर ने हमला किया है और उसमें वो शहीद हो गए हैं और उनके साथ मजीद जो उनके ड्राइवर गनर और स्क्वाड में जवान थे 6 अफराद थे वो जख्मी हैं। ये हुक्म नहीं दे रहे, सीधी फायरिंग शुरू कर दें, निस लोग तो आंसू गैस की शेलिंग से ही मुंतशिर हो जाएंगे। फैजाबाद धरना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। धरना खत्म ना कराने पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस। कमिश्नर को 3 रोज में धरना खत्म कराने का हुक्म। खत्म नबूवत तरमीम से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट, राजा जफरुल हक 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दें। जिन लोगों के नाम हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं होगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत धरने वालों की सप्लाई लाइन काटने में नाकाम। खाने पीने की अशिया मुजाहिरीन तक बिला रोक टोक पहुंच रही हैं, मोबाइल फोन भी चल रहे हैं, रास्ते मुसलसल बंद। फैजाबाद अवाम के लिए आज भी बेफैज। मेरा और नवाज शरीफ का मुवाजना करना ऐसे ही है कि मेरा मुवाजना सुल्ताना डाकू से करो। उस आदमी ने 30,000 करोड़ रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया है, उसका मेरा क्या मुवाजना हो सकता है? वो इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। मेरा मुवाजना नवाज शरीफ से ना किया जाए। नवाज शरीफ अपने 300 अरब रुपए बचाने के लिए इदारों पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद हरीफ पर तनकीद। कहा, मैं सब कुछ बेच कर पैसे पाकिस्तान लाया, कुछ साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। इंतहा पसंद इमरान खान समीउल हक की बजाय तालिबान से बराह रास्त इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल, इमरान खान को सियासी शोबदाबाजों का सरगना करार दे दिया। जरदारी और बिलावल के नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार पर ख्वाजा आसिफ बरहम। कहा, जरदारी साहब और उनके फर्जंद ताने ना दें, जवाब दिया तो सियासी बिरादरी का नुकसान होगा, मेहरबानी करें हमें खामोश रहने दें। तहरीक इंसाफ आज हाफिजाबाद में पार शो करेगी, कप्तान खिलाड़ियों को गरमाएंगे, पिंडाल में कारकुन इंतजामात में मसरूफ। करप्शन केस में शर्जील मेमन नैब कोर्ट में पेश, फर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सकी, समाज 4 दिसंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके अंचोली में 4 मंजिला इमारत के एक हिस्से में दरारें पड़ गईं, इमारत को खाली करा लिया गया, मकीन महफूज मुकाम पर मुंतकिल।